everybody and welcome to my e-lesson let's learn english series part 2 what is a pronoun that is what we are going to learn today aaj hum seekhenge ki ek pronoun kya hota hai pronoun is a word used in place of a noun yani ki kisi noun ke badle jo istemal kiya jaye use pronoun kehte hain jaise ki लड़का है कि ये फोटो यहाँ पे बनी है और उसका नाम अगर जैक है तो उसको हम बोल सकते हैं ही अगर यहाँ पे लड़की की फोटो बनी है और उसका नाम मान लीजिए शीला है सो हम उसे शी कह सकते हैं और ये टाइगर है इसको हम इट कह सकते हैं सो प्रोनाउन वो होते हैं जो कि नामों के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ एग्जाम्पल दिए हैं नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं आइए इनका एग्जाम्पल देखते हैं आई ही यू शी मी माइन योर हर हिज ये सिंगुलर प्रोनाउन है और प्लूरल पे देखें वी दे हर देम them again it your us their our yours ours ye sare plural hain pronouns are used to refer to persons talked to like me you us them her him pronouns ka istemal aksar tab kiya jata hai jab किसी से बात करी जा रही हो जैसे कि मैं आप उनको उनका उसकी उसका तब प्रोनाउन का इस्तेमाल करा जाता है प्रोनाउन ज्यादातर इसलिए बोले जाते हैं कि हमें बार बार किसी का नाम ना लेना पड़े ये भी एक बहुत जरूरी बात है प्रोनाउन्स यूज्ड टू रेफर पोजीशन आर माय माइन योर Yours, his, her, our, ours, its, their, and theirs. अब ऐसे pronouns जो कि ये बताने के लिए होते हैं कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ हमारी है या ये चीज़ उनकी है उसके लिए जो pronoun use होते हैं वो है my, मेरी है, mine. Your, ये तुम्हारी है. His, ये चीज़ उसकी है. ये नाम उसका है. ये घर उसका है. Their, theirs, ये घर उनका है ऐसे examples pronoun के लिए भी use किए जाते हैं जो कि possession को denote करते हैं Well, जो it और its है ये usually refer करता है किसी चीज को या किसी जानवर को It and its refer to a thing or animal. Like for example, it is a mango tree. यहाँ पे mango को it बोला जा रहा है My dog has big ears. Its name is Bruno. ठीक है? Well, ये थी आज की क्लास. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा. Have a wonderful day ahead. Happy learning.